तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब चैनल फॉर्मूला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसर मोहाली के समर रिसर्च प्रोग्राम के बारे में। तो इस वीडियो में हम उसकी एलिजिबिलिटी देखेंगे, उसकी ड्यूरेशन देखेंगे, डेडलाइंस देखेंगे और एट लास्ट हम उसके स्टाइपेंड के बारे में देखेंगे, आपको कितना स्टाइपेंड आईसर मोहाली प्रोवाइड करेगा इस रिसर्च फेलोशिप में। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा समर रिसर्च प्रोग्राम होने वाला है 2024 का। अगर इसकी एलिजिबिलिटी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स एट द लेवल ऑफ बीएससी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एमएससी फर्स्ट ईयर और इक्विवेलेंट विल बी एबल टू स्पेंड 6 to 8 weeks एट आईसर मोहाली ड्यूरिंग द समर। ओके, तो अगर आप बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर अपने मास्टर्स में, अगर आप एमएससी में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर किसी भी इक्विवेलेंट डिग्री के मास्टर्स के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आपको यहाँ पे आईसर मोहाली में जाना पड़ेगा, वहां पे 6 to 8 weeks आपको स्पेंड करने पड़ेंगे। ओके, देन आपको वहां से कुछ सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। ओके, तो आई थिंक आपको एलिजिबिलिटी क्लियर हो गई होगी। आपको सेकेंड ईयर स्टूडेंट होना होगा अगर आप बीएससी डिग्री के हैं, थर्ड ईयर स्टूडेंट होना होगा अगर आप बीएससी डिग्री के हैं, एमएससी डिग्री का अगर आप है तो आपको फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होना होगा। ओके, और अगर कोई आप इक्विवेलेंट डिग्री लाइक बीटेक के हैं, बीएस के हैं, तब भी आपको यहाँ पे सेम एलिजिबिलिटी, आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के हैं देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आपके यहाँ पे जो आपको टाइम स्पेंड करना होगा वहाँ पे 6 to 8 weeks का है। ओके, आईसर मोहाली जाके। डेट्स की अगर हम बात करते हैं, द समर प्रोग्राम विल रन बिटवीन 15th of May 2024 से 22nd of July 2024 तक। ओके, तो आपका ड्यूरेशन जो आपका है इतना है। ओके, देख सकते हैं आप यहाँ पे ड्यूरेशन आपका यहाँ पे दिया गया है, May 15 से July 22 तक आपका ये पूरा ड्यूरेशन है इस समर रिसर्च प्रोग्राम का। इस ड्यूरेशन में आपको आईसर मोहाली में जाके रहना होगा। ड्यूरेशन मैंने आपको बता दी, तो मिनिमम पीरियड ऑफ 6 weeks। ओके, मिनिमम आप 6 weeks का ड्यूरेशन है और मैक्सिमम आपका 8 weeks का ड्यूरेशन है, जो यहाँ पे भी इन्होंने लिखा था। ओके, और अगर हम नीचे बात करते हैं इसके कुछ एलिजिबिलिटी और इसके कुछ स्कॉलरशिप्स के बारे में, देन आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे ये तीन कैटेगरीज में बांट देंगे, कैटेगरी ए। ओके, कैटेगरी ए जिनको सब चीज खुद से करना पड़ेगा। ओके, आपका देखिए आपको कैसे बांटेंगे कैटेगरीज में, आप यहाँ पे जैसे ही अप्लाई करेंगे इसके लिए, देन आपसे ये कुछ CGPA पूछेंगे अपने आपके मतलब प्रीवियस कॉलेज टर्म का, उस हिसाब से आपको ये कैटेगरी ए बी या फिर कैटेगरी सी में डिवाइड कर देंगे। ओके, कैटेगरी ए वालों को सारा चीज अपने से करना पड़ेगा, कैटेगरी बी वाले नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स मे बी सपोर्टेड ऑन कॉम्पिटेटिव बेसिस। ओके, तो यहाँ पे वो थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट कर देंगे, वो भी आपके कॉम्पिटेटिव बेसिस पे, बट इसमें भी आप मान सकते हैं कि आपको अपने से ही सारा चीज करना होगा। ओके, कैटेगरी सी में अगर आप जा रहे हैं तो रेस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स आयसर मोहाली आपको यहाँ पे स्टाइपेंड तो प्रोवाइड नहीं कराएगा, बट आपको यहाँ पे एकोमोडेशन देगा और आपको आपका जो यहाँ पे मेस का चार्जेस होगा, ओके, टाइप सी की मैं बात कर रहा हूँ, कैटेगरी सी की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे मेस का जो चार्जेस होगा खुद से पेमेंट करना होगा, खुद से आपको मेस में जाना होगा, पे करना होगा, वहां पे रहना मतलब वहां पे खाना खाना होगा और एकोमोडेशन में भी आपको वहां पे चार्जेस पे करने होंगे। ओके, तो टाइप सी वालों के लिए थोड़ा सा फायदा है, आप जाके उसके कैंपस के हॉस्टल्स में रह सकते हैं और आप वहाँ के मेस यूज कर सकते हैं। ओके, कैटेगरी ए बी वाले में भी शायद ऐसा ही होगा, बट आप जब वो फॉर्म फिल करेंगे, जब आपको ईमेल वेरिफिकेशन का आएगा, तब आपको ये सब पता चलेगा कि आपको यहाँ पे हॉस्टल्स अलॉट हो रहे हैं या नहीं। ओके, तो पहले आपको अगर अप्लाई करना है तो पहले आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, देन आप इसकी कुछ एलिजिबिलिटी है लास्ट की कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। ओके, क्योंकि कैटेगरी जो आपकी रहती है वो चेंज होती रहती है, और जहां तक मुझे पता है कि यहाँ पे आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बट आपको मेस का अलग से पे करना पड़ता है। ओके, तो आप किसी भी कैटेगरी के हैं, आपको यहाँ पे एकोमोडेशन शायद ही प्रोवाइड कराते हैं, बट आपको मेस का अलग से पे करना होता है। ओके, और अगर लास्ट डेट की हम इसके बात करें तो लास्ट डेट फॉर रिसीविंग ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी 22nd of March है, तो अभी भी 4 से 5 दिन बचे हुए हैं, तो आपको अगर अप्लाई करना है तो आप यहाँ भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और जैसे आप ये पूरा रिसर्चशिप कंप्लीट करते हैं, मतलब आप ना पूरा ये प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं, एट द एंड ऑफ समर प्रोग्राम स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द रिपोर्ट। आपको वहां पे अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी कि आपने कितना 6 to 8 weeks में आपने कितना काम किया है। ओके, उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे सर्टिफिकेट मिलेगा आईसर मोहाली के तरफ से। ओके, आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब अगर आपको अप्लाई करना है तो आप जाके डायरेक्टली आईसर मोहाली के साइट पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके,
आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप आगे कमेंट सेक्शन, लिंक्डइन या इंस्टा पे मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप जाके अप्लाई कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।